कोलकाता जैसे शहर के बारे में अगर बात करें तो मुश्किल है कह पाना कि कहाँ से शुरू करें। मतलब इसमें लगभग सब कुछ आपको मिलेगा। कोलकाता के बाहर की तरफ बीच भी है, खूब सारे अच्छे अच्छे खाने की जगह भी है, एंड हम लोग क्रिसमस के टाइम पे गए थे तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे क्रिसमसी वाइब्स भी मिले थे। चाहो तो मॉल घूम लो, चाहो तो फेमस ईटरीज चले जाओ। और इस पर्टिकुलर ब्लॉग में हम इसी तरह से ये सारी चीज़ें यानी कि बीच, मॉल और ईटरीज, इन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। आगे के एपिसोड्स इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें कि हम कई और जगह भी दिखाएंगे विद इन कोलकाता एंड आउटसाइड कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता लैंड करने में हमारी एयरक्राफ्ट थोड़ी तो डिले हुई थी, लेकिन हम फिर भी पहुंच गए। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो हायर्ड कार थी वो जाके देखी और उस पर चेक्स किए। ठीक है, वाइपर फ्लूइड तक बोले, देखो वाइपर फ्लूइड नहीं चाहिए, वाइपर फ्लूइड। तो यही गाड़ीटा होच्छे रेलवे तरफ थे सेंट्रो सिंह 2019 मॉडल, इट इज़ अ कर्नाटका नंबर। तो कंडीशन तो भलो ही होच्छे एर आगे जहाँ हमें देखे जूम करे। वेरी ক্লোজ টু দা দমদম এয়ারপোর্ট। তো এখান থেকে আমরা ডাইরেক্টলি এখানেই এসে গেলাম যে এই একদিন এখানে থেকে তারপরে আর কি এখান থেকে বেরিয়ে উই উইল রোম অ্যাবাউট। সো It is quite a good hotel, lots of rooms and good looking. Holiday Inn Express के अंदर इनके रेस्टोरेंट का नाम है Palm Kitchens, जो कि आप देख पा रहे हैं, और इसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिनर किया, which you will see just now. A nice decoration as soon as you enter the restaurant. There is the bar counter and this is the food that I checked. Which bhalo gondho asche. वेज कोफ्ता करी, पनीर बटर मसाला दार थे एकेबारे फ्रेश, और रोटी और सर्व कर देते ऑन द टेबल। तो एखाने फिश फ्राई दिए छे और साथे पनीर मलाई टिक्का दिए छे। तो टेस्ट करेछे, इट्स प्रेटी गुड, क्रिस्पी एंड गुड टेस्ट। और तुम्हें बोलो The next day. So this is the breakfast spread. As you can see, non-veg is there, chicken sausages is there, luchi hai, paratha hai. तो पराठा के बारे में there is an interesting thing I would like to tell you, that generally North Indian breakfast है पराठा दावा है, but इखानकर breakfast में you will see maximum continental items and breads. So that is slightly different. ये इनफैक्ट नॉर्थ इंडियन फूड का इन्फ्लुएंस, नॉर्थ इंडियंस का इन्फ्लुएंस है जो यहाँ पे स्टफ पराठा से। तो गाइस हमने अपनी जर्नी शुरू करी टुवर्ड्स सी रिजॉर्ट इन न्यू दीघा, और रोड्स की कंडीशन जो है थोड़ी बहुत अच्छी थी, अबाउट 30%, और बाकी काफ़ी एवरेज। दिस इज़ द हाईवे NH16, यहाँ पे दो लैंडमार्क्स है, बालाजी होटल एंड रेस्टोरेंट, दैट इज आवर कार। ये जो पूरी रूट टा होच्छे NH16, मतलब देर आर सो मेनी बैरिकेड्स ऑल ओवर द वे, संगतिक मैंने नंबर ऑफ बैरिकेड्स, तो ठीक पेस का धोरते ही पड़छे ना, मैंने इट्स टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 100 किलोमीटर करने में भी, 50 किलोमीटर करने में भी इतना टाइम लग रहा है कि क्या बताऊँ, ठीक स्पीड ही धोरते पड़छे ना, मैंने 80 किलोमीटर्स पर आवर्स इज मैक्सिमम, और तो स्पीड लिमिट में कहाँ से पहुँचेंगे उतना। तो रोड्स यहाँ पे काफ़ी चौड़ी थी, एंड धीरे धीरे जैसे हम जा रहे थे, इनफैक्ट बीच में तो हमारा पंचर तक हो गया था, एंड कुछ खास था भी नहीं वहाँ पे रिपेयर करने के लिए,
किसी तरह एक लोकल शॉप में रिपेयर करके चले। एंड एज वी गॉट क्लोजर टू दीघा, रोड्स जैसा कि आप देख रहे हैं और ज़्यादा पतले होते गए। एंड सिंगल लेन था तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से ट्रैफिक काफ़ी हैवी होता जा रहा था। तो ये न्यू दीघा बीच है और ये कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन है इन कंपैरिजन टू द रेगुलर दीघा बीच जो कि आप लोगों ने वैसे सुना होता होगा। एंड ऑल्सो द मंदरबनी बीच जो कि पास में ही था, वहाँ तो हम गए। फ्रेश फ्रेश कोकोनट्स देखने का यहाँ पे मज़ा ही कुछ और था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। बेसिकली ये रास्ता जो है वो इट लीड्स अप टू द दीघा बीच। দাদা এটা কি জিনিস হচ্ছে গুড়ের খাজা দাদা এটাকে গুড়ের খাজা এটা গুড়ের খাজা কে দেখো গুড়ের খাজা পান টেস্ট করুন ভালো লাগবে দিবে में आप आए हो और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास खाने के तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो सब खाने के बाद पेट तो थोड़ा भारी हो ही जाता है सबका, तो इसी बहाने हम लोग बाहर आ गए थोड़ा वॉक करने के लिए। और हमने देखा कि होटल के आसपास काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे देखने के लिए। ये जो स्टैचू था ये वहाँ लगा हुआ था जो कि बहुत जल्दी सामने वाले होटल पर लगने वाला था। और इसी तरह बहुत कुछ हमने यहाँ पर देखा। Standing in Park Street right now, the most spinning place in Kolkata basically. So यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट वाइट क्रिसमस का डेकोरेशन लगा हुआ है, बट वी हैव एन एलैबोरेट प्रोग्राम फॉर टुडे। This is the place we have come to. This is called Flurry's, one of the most famous breakfast places in Kolkata. So, अभी तो waiting चल रहा है काफ़ी देर से। Let me just show you what it looks from the side. So as you can see, this is the restaurant called Peter Cat. It is a very famous restaurant in Park Street. It is in a lane where there are lots of other places also, like Pizza Hut, KFC. This place serves multiple international cuisines, especially Chinese, and it is always crowded, like you can see right now. So the best idea is they do not take reservations on phone actually, so you'll have to come here, queue up, and then ask them to, I mean they will call you of course, so make sure you are there in front.
सिग्नेचर डिश ऑफ पीटर कैट एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ओनर मिस्टर कोठारीज ट्रैवल्स टू ईरान. दिस इज एक्लेक्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ चिकन एंड मटन एंड इट इज़ सर्व्ड विथ राइस एंड बटर. और उसके अलॉन्ग साइड हमने अलग से चिकन कटलेट भी लिया था, बट जैसा कि आप देख सकते हो द सर्विंग इज ट्रूली मैसिव एंड मोर देन इनफ फॉर टू पीपल हियर. लेटर दैट सेम इवनिंग one of the most familiar places that probably every Kolkatan would be familiar with. ये है सिटी सेंटर मॉल जो कि as the name suggests बिल्कुल ही शहर के बीचों बीच सा है और ये दिन को ख़त्म करने का हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका था. तो यहाँ हम चले आए और हमने काफ़ी देर तक घूम घूम कर अपने आप फेमिलियर जगह में फेमिलियर एनवायरमेंट में पाया. मेरा पहला कोलकाता व्लॉग ख़त्म हुआ, तो आई होप यू एंजॉयड इट एंड प्लीज़ लिखिए कमेंट्स में कि आपको और क्या देखना है. टिल देन आई विल पोस्ट द नेक्स्ट वन रियल सून. कीप लाइकिंग. थैंक यू.